हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज इजी लर्निंग। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प करता है देन प्लीज लाइक माय वीडियो। और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको मेरे चैनल के वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। और उसके साथ आपको एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब के बटन के बगल में बेल का आइकन दिख रहा है, उस बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो बस इतना सा काम करना है आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए UBPSCL कंप्यूटर का मॉडल पेपर 4 लाई हूँ, जिसमें 50 क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस के आंसर भी हैं। साथ में क्वेश्चंस आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। तो चलिए इस सीरीज़ में स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका मैंने 3 वीडियोज़ और बनाए हैं पहले, तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जिससे आपको वो वीडियोज़ ही मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुति आलेख सॉफ्टवेयर है? तो ये क्वेश्चन आपने पहले भी काफ़ी बार पढ़ा होगा, बट ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा आता है तो मैं आपको बता रही हूँ। तो MS PowerPoint होगा आंसर। नेक्स्ट है CGI स्टैंड्स फॉर। CGI का तात्पर्य है कॉमन गेटवे इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्री डिज़ाइंड फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट एंड कलर स्कीम। टेक्स्ट और यंग योजना का और रंग योजना का पूर्व अभिकल्पित प्रारूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा टैम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस ट्रैक बॉल जॉयस्टिक आर एग्जांपल्स ऑफ। माउस ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण हैं? तो ये पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, संकेतन युक्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर चिप्स के मुख्य प्रकार हैं? फर्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी चिप, नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर चिप, और थर्ड है 1 और 2 बोथ, या फिर 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा 1 और 2 बोथ, मतलब प्राइमरी मेमोरी चिप और माइक्रो प्रोसेसर चिप दोनों ही होंगे कंप्यूटर चिप्स के मुख्य प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल नेम एक्सटेंशंस सजेस्ट दैट द फाइल इज़ अ बैकअप कॉपी ऑफ अनदर फाइल। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल नेम एक्सटेंशन इंगित करता है कि फाइल किसी अन्य फाइल की बैकअप कॉपी है? तो इसका आंसर होगा .bak, ये एक्सटेंशन बताता है कि ये बैकअप कॉपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पावर पॉइंट फीचर अलाउज द यूज़र टू क्रिएट अ सिंपल प्रेजेंटेशन विदाउट हैविंग टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन इट। पावर पॉइंट में ऐसा कौन सा फीचर है जिससे प्रयोगकर्ता बहुत अधिक समय न खर्च करके सरल प्रस्तुति बना सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑटो कंटेंट विजार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर कॉपी। तो इसका आंसर है Ctrl+C। कॉपी करने की शॉर्टकट की कौन सी है? Ctrl+C है कॉपी करने की शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज नोन एज। किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है? तो इसका आंसर होगा IP एड्रेस, IP पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ओपन अ फाइल इन MS वर्ड वी यूज़। MS वर्ड में फाइल खोलने के लिए हम निम्नलिखित का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा Ctrl+O की का यूज़ करते हैं, ये शॉर्टकट की है MS वर्ड में फाइल ओपन करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइल नेम एक्सटेंशन ऑफ MS PowerPoint 97 to 2003 इज़। MS PowerPoint 97 से लेकर 2003 तक जितने वर्जन हैं उनका एक्सटेंशन क्या है? तो इसका आंसर होगा .ppt, ये एक्सटेंशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंकिंग इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज यू टू एक्सेस योर बैंक अकाउंट फ्रॉम अ मोबाइल डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सी बैंकिंग ऐसी तकनीक है जो मोबाइल डिवाइस से आपको अपने बैंक खाते को एक्सेस करने की अनुमति देती है? तो इसका आंसर होगा मोबाइल बैंकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कीबोर्ड इज़ यूज टू। कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर फर्स्ट क्या है, टू एंटर टेक्स्ट एंड नंबर्स एंड सेंड कमांड्स टू द कंप्यूटर। शब्द और संख्याएं डालने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर रिसीविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर ऑन द इंटरनेट इज नोन एज। इंटरनेट पर किसी सर्वर से एक कंप्यूटर पर जानकारी प्राप्त करने की क्रिया कहलाती है, तो उसको बोलते हैं डाउनलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर गो टू मेन्यू इन MS वर्ड।
एमएस वर्ड में गो टू मेन्यू के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर इंसर्शन ऑफ अ न्यू स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट? एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड के प्रवेशन के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? कंट्रोल प्लस एम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALU इज़ ए पार्ट ऑफ। ALU निम्नलिखित में से किसका पार्ट होता है? तो ALU CPU का पार्ट है, प्रोसेसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीडू इज डन बाई। रीडू निम्नलिखित द्वारा किया जाता है, मतलब रीडू करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन से मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है अर्थमेटिक ऑपरेशन, अंकगणितीय ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिट्रीवल, संचय और पुनर्प्राप्ति, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे ही ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं, चाहे वो अर्थमेटिक हो, लॉजिकल हो या स्टोरेज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल यू कैन सेलेक्ट द एंटायर रो बाई प्रेसिंग। आप निम्नलिखित दबाकर एक्सेल में पूरी रो को सेलेक्ट कर सकते हो, तो इसका आंसर होगा शिफ्ट प्लस स्पेस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पावर पॉइंट स्लाइड सॉर्टर कमांड इज फाउंड अंडर विच मेन्यू? पावर पॉइंट में स्लाइड को श्रेणीबद्ध करने की कमांड किस मेन्यू में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा व्यू मेन्यू में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाइनमेंट बटन्स पर बटन्स आर अवेलेबल ऑन द। अलाइनमेंट बटन किस पर होते हैं? तो इसका आंसर है फॉर्मेटिंग टूल बार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड इज़ यूज टू स्टार्ट अ स्लाइड शो? स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है स्लाइड शो, इसी नाम की यही सिंपल ही कमांड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज़ डैश लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी एक डैश उच्च स्तरीय क्रमादेशन भाषा है, तो इसका आंसर होगा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी एक उच्च स्तरीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बोट प्लॉट इज एप्लीकेबल टू। बोट प्लॉट निम्न में से किस पर लागू होता है? तो इसका आंसर होगा मिनिमम फेज नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन OSI मॉडल लेयर विच प्रोवाइड्स एरर फ्री डिलीवरी डेटा इज। OSI मॉडल में वह लेयर जो डेटा की एरर फ्री डिलीवरी करती है उसको क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्ट लिंक, ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पर्सनल कंप्यूटर के बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को निम्न में से कहाँ संचित करते हैं? ठीक है, तो कहाँ पर संचित होता है बेसिक आउटपुट इनपुट आउटपुट सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर का? रोम चिप में। तो इसका आंसर होगा रोम चिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम विच ट्रांसलेट्स एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू बाइनरी लैंग्वेज इज़ नोन एज। एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम की बाइनरी मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADSL मीन्स। ADSL से तात्पर्य है, तो ADSL का फुल फॉर्म क्या होता है? एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्रीविएशन ऑफ OSI स्टैंड्स फॉर। OSI का पूरा नाम क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इनसाइड द कंप्यूटर कॉन्स्टिट्यूट्स। कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड किस प्रकार का कार्य करता है? तो इसका आंसर है डेटा लिंक लेयर का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी एड्रेस लाइन्स आर नेसेसरी टू एड्रेस 2 MB ऑफ मेमोरी। 2 MB मेमोरी के एड्रेस के निर्धारण हेतु कितनी एड्रेस लाइनों की आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर है 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट स्पीड मेमोरी इन अ कंप्यूटर इज। कंप्यूटर की सबसे उच्चतम गति वाली मेमोरी है, तो इसका आंसर है CPU रजिस्टर्स। ये जितने आपको ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें CPU रजिस्टर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा गति वाली या फिर हाईएस्ट स्पीड मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डेटा स्ट्रक्चर एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग ईच रिकॉर्ड एग्जैक्टली वंस इज कॉल्ड। डेटा स्ट्रक्चर में प्रत्येक रिकॉर्ड को केवल एक बार संचारण एवं प्रसंस्करण कहलाता है, ट्रैवर्सिंग करना होता है डेटा स्ट्रक्चर में, एक रिकॉर्ड को एक बार संचारण करना या फिर ट्रैवर्स करना बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ माइक्रो प्रोसेसर में, तो इसका आंसर होगा वन मशीन साइकिल कंसिस्ट ऑफ सेवरल क्लॉक साइकिल्स। एक यंत्र चक्र में अनेक कालचक्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
a system program that combines the separately compiled modules of a computer into a form suitable for execution. एक ऐसा निकाय जो दो अलग अलग कंपाइल किए गए प्रोग्राम को जोड़ता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है लिंकिंग लोडर. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्स क्लस्ट्रॉन इज अ. रिफ्लेक्स क्लस्ट्रॉन होता है एक लो पावर जनरेटर, कम शक्ति का जनरेटर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 4-bit सिंक्रोनस काउंटर यूजेस फ्लिप फ्लॉप्स विद प्रोपेगेशन डिले टाइम ऑफ 15 नैनोसेकेंड ईच. द मैक्सिमम पॉसिबल टाइम फॉर चेंज ऑफ स्टेट विल बी. तो ये आपका कैलकुलेशन का क्वेश्चन है. ठीक है, एक 4-bit तुल्यकालिक फ्लिप का प्रयोग करके काउंटर 15 नैनोसेकेंड प्रत्येक के प्रचार में देरी समय के साथ फ्लॉप अवस्था के परिवर्तन के लिए अधिकतम समय हो जाएगा. तो इसमें सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है 4-bit और 15 का. 15 × 4 60 नैनोसेकेंड आंसर होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड इन डेटा बसेज ऑफ 8085 का एक डेटा बस में कितनी बिट्स का इस्तेमाल होता है? तो इंसान इसका आंसर होगा 8. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू कंप्यूटर्स व्हाट इज वेटवेयर. कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंप्यूटर प्रोसेसिंग डैश सेलेक्ट्स प्रोसेसेस फ्रॉम द पूल एंड लोड्स देम इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन. कंप्यूटर प्रोसेसिंग में डैश पूल से प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में डालता है. तो ये कौन करता है? ये काम करता है जॉब शेड्यूलर. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेशन पार्टीज ऑन हाउ कम्युनिकेशन इज टू प्रोसीड. दो पक्षों के बीच में संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए, उसे बोलते हैं प्रोटोकॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग दैट परफॉर्म्स कंप्यूटेशन स्टोरेज एंड इवन एप्लीकेशंस एज अ सर्विस अक्रॉस अ नेटवर्क. कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है? तो इसे बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर्स. कौन से देश में सर्वाधिक इंटरनेट का उपयोग किया जाता है या फिर सर्वाधिक इंटरनेट के उपयोग करता है? तो इसका आंसर होगा चाइना, चीन. वाई मैक्स स्टैंड्स फॉर. वाई मैक्स का क्या अभिप्राय है? वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटिबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ 4 bits फॉर्म अ. 4-bit का एक समूह क्या बनता है? निबल. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स आर आइडेंटिफाइड बाई द कंपाइलर. निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है? तो इसका आंसर होगा लॉजिकल एरर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनली यूज्ड एब्रिविएशन SQL इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड फॉर. कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला संक्षिप्त नाम SQL क्या है? तो इसका आंसर होगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी भाषा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बिट्स डज एन IP एड्रेस कंटेन. एक IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? तो इसका आंसर होगा 32 bits. और लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है? तो इसका आंसर होगा PHP भाषा. तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे. चलिए ऐसे ही वीडियोज़ में लाती रहूँगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.